काशी में एक ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं। ब्राह्मण दंपति ने तपस्या की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो? महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, पुत्र नहीं। शंकर जी बोले, पुत्र दो तरह के होते हैं, सुपुत्र और कुपुत्र। किस तरह का चाहते हो? कुपुत्र की उम्र लंबी होगी पर जीवन भर दुख देगा, सुपुत्र की उम्र कम होगी पर तुम्हें सुख देगा। ब्राह्मण ने कहा सुपुत्र ही दे दो। अब शंकर भगवान ने कैसी परीक्षा ली, बड़ा अच्छा पुत्र होगा, 5 वर्ष की उम्र रहेगी। अंतर्धान हो गए शंकर जी। अब ब्राह्मण सुखी भी और दुखी, बालक का जन्म अब उम्र पता थी इसलिए परेशान। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बालक की उम्र में 1 वर्ष शेष रहा। एक ज्योतिषी से पूछा कुछ हो सकता है? ब्राह्मण देवता ने कहा किसी सिद्ध संत का आशीर्वाद मिल जाए। तो सिद्ध संत कहां मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा इस झंझट में ही मत पड़ो कि कौन सिद्ध है कौन नहीं है, तुम तो सबको सिद्ध मानना शुरू करो, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। संत संत हैं बट ठीक है, और तुम सब में भगवान के भाव से प्रणाम कराओ बालक को। ब्राह्मण ने गंगा जी किनारे काशी में कुटिया बना ली, पुत्र को लेकर रहने लगे। जो रास्ते से निकलता बालक उसी को प्रणाम करता। नर नारी निकले जिते जुवा वृद्ध अरुबाल, गो गज बाज अनेक पशु सूकर स्वान श्रगाल, आवत देखे दूर ते जोरे दो हाथ, पुण्य प्रणाम सबको करत धरि धरि महिमे मात। हथेलियां कड़ी हो गईं, सिर पर चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान की लीला बड़ी विचित्र, जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग से तेहि मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। सप्तऋषि निकले, मुनिमंडल को महिमे पर के दुज बालक दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव चिरजीवी भव, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। सप्तऋषि बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़े और ऋषियों से कहा, कर जोड़ पिता बोला किमि होंगे, सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक की आयु में शेष दिन 3 रहे। 3 दिन शेष है। सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब ब्राह्मण बोला आप जानो और आपका आशीर्वाद जाने। ऋषियों ने कहा यह तो संतों की प्रतिष्ठा की बात है, आपस में सलाह की। ब्राह्मण से बोले तुम अपना बेटा आज ही हमें दे दो, कल्याण होगा इसका। बालक प्रदान कीन्हो करके कठिन हिया, ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। सप्तऋषि उस बालक को लेकर दूसरे दिन ब्रह्मा जी के यहां पहुंचे, कुछ नहीं कहा। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, पीछे उस बालक ने भी जैसे ही प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी भी बोले चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली। ब्रह्मा जी की बात सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, मुस्कुराने लगे और क्या बोले, सुनि ब्रह्म वचन हंसी के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बला टली अपनी बला टली। ब्रह्मा ने चारों मुख से
चिरजीव कह दिया ब्रह्मान चारों मुख से, चिरजीव कह दिया ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है। सप्तऋषि बोले इस बालक की आयु में दो दिन शेष हैं, दो दिन। ब्रह्मा जी बोले हम तो आशीर्वाद देकर फंस गए। सप्तऋषि बोले ऐसे ही तो कल हम फंस गए थे, लेकिन आज हम मुक्त हैं। क्यों? लोग कहेंगे सप्तऋषि झूठे, तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी झूठे, तो सप्तऋषि झूठे, ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले तो हमारी बात किसी तरह बनाओ। बोले आप ही बता, आप तो बुद्धि के देवता हैं। ब्रह्मा जी बोले परिवर्तन हो सकता है। भाव्यू में टिस कहीं त्रिपुरारी, भाव्यू में टिस भाव्यू में टिस मैटे सकई सकई सकई। भावी शंकर जी मिटा सकते हैं। वही चलो, तीसरे दिन सवेरे सवेरे ब्रह्मा जी सप्तऋषि वह बालक शिवलोक में। प्रातः काल शीस गंग अर्धंग पार, शीस गंग सदा विराजत कैलासी, बैठे हैं शिव अविनाशी, शीर्ष गंग गंग अरदान अरदान। भगवान शंकर विराजमान है। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ओम नमः शिवाय। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पीछे शंकर जी को प्रणाम किया, और सबसे पीछे वह बालक भूतल परे लकुट की नाई। शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहो, चिरजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। अब तो ब्रह्मा जी खुश हो गए, कब हमें भी कोई डर नहीं। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले लिया, ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने ले, भोले बाबा ने, भोले बाबा ने ले लिया। ऋषियों ने क्या किया मुनियों ने क्या किया। शंकर जी बोले बात क्या है? कहे आप जानो, एक दिन बचा है इसकी उम्र में, एक दिन शेष है कि
किसका बालक है? सप्तऋषियों में। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से पूछो, सप्तऋषि बोले काशी के उस ब्राह्मण का। शंकर जी बोले यह तो हमारे ही आशीर्वाद से वरदान से दिया हुआ पुत्र है। ब्रह्मा जी बोले तब तो और बढ़िया बात बन गई, भावियों मेट सकहीं त्रिपुरादि, काल से तो महाकाल ही बचा सकते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम। देवाधिदेव भगवान शंकर ब्रह्मा जी से सप्तऋषियों से बोले आप लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ जाओ। भगवान शिव ने कहा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाते रहो, निश्चिंत रहो। बालक वैसे ही करता रहा। शाम को उस ध्यान मग्न बालक के गले में यमराज ने फांसी का फंदा डाला, समय हो गया था। भगवान शंकर ने देखा कि बालक घबराकर शिवलिंग से लिपट गया। शंकर जी प्रकट हो गए, त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, हे देवाधिदेव महादेव, यह तो आपके ही विभाग की बात है, ये संहार विभाग तो आपका ही है, अपने ही डिपार्टमेंट में गड़बड़ी आ गई। शंकर जी बोले क्यों? बोले आपने ही से कहा। यमराज बोले कि 5 वर्ष की उम्र आपने ही दी है सो पूरी हो रही है। शंकर जी बोले यह बताओ, इस बालक को उम्र तुमने दी है कि हमने? यमराज बोले आपने। तो कहा इसकी उम्र तुम्हारे हिसाब से पूरी होनी चाहिए कि हमारे हिसाब से? यमराज बोले कि सरकार का हिसाब सुनना चाहते। शंकर जी बोले सुनो, क्रमशः कलयुग त्रेता द्वापर त्रेता सतयुग, एक एक युग से बड़े हैं। सतयुग सबसे बड़ा है और ये युग एक बार हो जाए तो मनवंतर कल्प, और ब्रह्मा जी की आयु में ऐसे बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ऐसे दिन के मास गिन, ऐसे दिन के महीने बनाओ और मासों के पुण्य वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। यमराज ने कहा कि प्रभु जब आपकी एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तो यमराज कितने बदलेंगे इसे? और वह बालक अमर हो गया, महाप्रलय में भी उसका नाश नहीं होता और वे यशस्वी ब्राह्मण पुत्र ही ऋषि मार्कंडेय के नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि मार्कंडेय। यह भाव्यु मेटी सके त्रिपुरारि, भाव्यु मेटी सके।